चलाई गई योजना में 5 रुपए में भरपेट खाना देने का वादा किया था। रख रखाव के अभाव में या यूं कहें कि ठेकेदार की मनमानी के चलते हालत बिगड़ रही है। हम बात कर रहे हैं गुना शहर में स्थित दीनदयाल रसोई की, जिसका संचालन नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। वहीं जब हम वहां पर पहुंचे तो नजारा देखकर हम भी भौचक्के रह गए। गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन ऐसा दिया जा रहा है कि बेचारे मजबूरी में इसको खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं। वहीं रसोई में खाना खा रहे युवक की थाली पर जब हमारी नजर गई तो देखा कि जो रोटी उसको दी जा रही वह इतनी कड़क है कि उसके दो हाथों से ही तोड़ा जा सकता है। वहीं सब्जी ऐसी जिसमें आलू अलग और पानी अलग बह रहे हैं। वहीं खाना खा रहे युवक से जब हमने बात की तो उसने बताया कि रोटी और सब्जी खाना दुश्वार हो गया है, लेकिन मजबूरी है तो खाना पड़ेगी। इस खाने को जब हमने देखा तो इसकी क्वालिटी के बारे में देखकर ही समझ में आ रहा था कि किस तरह से घटिया खाना गरीब व्यक्तियों को परोसा जा रहा है। यह व्यक्ति ये सोचकर आता है कि कम से कम 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाएगा, लेकिन बदले में क्या मिलता है ये आप सबके सामने है। लोगों के मुताबिक यहाँ पर खाना कब से बिगड़ा है जब किसी शहर के बाहर भी व्यक्ति को इसका ठेका दिया गया है। ये ठेकेदार तो यहाँ नहीं आता लेकिन अपने कर्मचारियों के दम पर रसोई चलवा रहा है। पहले भी कई बार इस बारे में दिखाने के बाद भी अभी तक इस रसोई के ऊपर या ठेकेदार पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि उक्त ठेकेदार बहुत ही रसूखदार है और अधिकारी एवं प्रशासन के बीच बैठे लोगों में उसकी अच्छी पैठ है। देखने लायक होगा कि हमारी खबर के बाद अब इस रसोई पर प्रशासन क्या चाबुक चलाता है या फिर बात कागजों में ही दबा दी जाएगी। क्या हुआ? मतलब अच्छा, कब से खा रहे हो आप? हम तो जब तक ही आते हैं सब्जी, आज 10-15 दिन खा। अच्छा, नहीं नॉर्मल वे में जैसे कोई नेता नहीं आया इसके आज आया हूँ मैं, दो तीन महीने में। अच्छा, तो पहले जो रोटी जो है आपके सामने आ गई? नहीं, रोटी ठीक है, कड़क है या नरम है? वो तो दिख तो रही हैं, ये हैं सो हैं, आपने खुद ना महसूस करके देख ली ना। कैसा है? कितनी कड़क है बताना जरा तोड़ के।